असलाकुम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ द एयर हैविंग मोर ऑक्सीजन वेयर इज टेकिंग आउट ऑफ द एयर हैविंग लेस ऑक्सीजन या मोर कार्बन डाइऑक्साइड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हैज़ टू फेजेस वन इज़ द इंस्पायरेशन और इन्हेलेन इन्हीलेशन

चेंजेस uh, uh, होंगी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वन साइड की वन प्रोसेस की आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर लोगे कंसेप्ट उसका क्लियर कर लोगे तो सेकेंड वन यानी एक्सपरेशन की ऑटोमेटिकली ऑपोजिट टू दैट ड्यूरिंग इंस्परेशन एज आई सेड इट इज द टेकिंग इन ऑफ द एयर तो ड्यूरिंग दैट द डायफ्राम फ्रॉम विच इज़ अ मस्कुलर मैब्रेन And the intercostal muscles both contracted. Diaphragm, as shown in the uh, this uh, diagram, do, in its relaxed form, diaphragm is a dome shape, curve like so. But as it is contracted, it becomes it lowers down or uh, somehow uh, down move. Uh, move. Uh, intercostal muscles, uh, which are the rib muscles, uh, they contracted, and ribs. रेजड आउटसाइड अब बिकॉज ऑफ द कंट्रेक्शन ऑफ डाइफ्राम एंड द इंटरकोस्टर मसल इन दोनों के कंट्रैक्शन की वजह से द एरिया ऑफ थोरेसिक कैटी थोरेसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलेंगे इन दोनों के कंट्रेक्शन की वजह से ज़ाहिर कंट्रेक्शन होगा तो डाइफ्राम अगर इस पोजीशन पर नीचे चला गया और जो रिब मसल्स हैं वो अपनी थोड़ा बाहर की तरफ निकल आए स्पेस ऑफ द थ्रेसिक कैटी इंक्रीजिज थ्रेसिक कैिटी का एरिया या वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा अब बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ थ्रेसिक कैटी या एरिया ऑफ थ्रेसिक कैटी प्रेशर ऑन द लंग्स रिड्यूसेस यानी लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होगा रिब्स की वजह से वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा एंड लंग्स एक्सपेंड लंग्स क्या करेंगे एक्सपेंड कर जाएंगे एंड द एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स यानी उन लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी क्योंकि तो वो अपनी अब जिस पोजिशन पर होंगे उससे एक्सपेंड uh, करके फैल जाएंगे तो एयर प्रेशर प्रेशर ऑफ द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स डिक्रीजिज सिंपल सी बात है कि पहले अगर uh, 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 एक स्पेस जो है uh, एक एयर के लिए सेम अमाउंट uh, के लिए स्पेस थी अब जब वो इंक्री स्पेस इंक्रीज हो गई तो प्रेशर जो है एयर का डिक्रीज हो जाएगा एंड टू इक्वलाइज दिस एयर प्रेशर आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इन साइड इन साइड द लंग्स एयर रश्ड इन टू द बॉडी या इन टू द लंग्स या एयर इज इनहेल्ड एंड दैट एयर हैज मोर ऑक्सीजनेटेड मोर ऑक्सीजन इनसाइड इट अब आई रिपीट अगेन इंस्पायरेशन इज द वन ऑफ द फेज ऑफ ब्रीदिंग एंड दिस ड्यूरिंग दिस Inspiration, the taking in of the air takes place, and that air contains more oxygen. For this, uh, the diaphragm, which is a muscular membrane, it is in its relaxed form, like the dome shape. Uh, it contracted and moved downward, whereas the intercostal muscles or the rib muscles also contracted. any diaphragm or intercostal muscles don't contract, and ribs raised above. And because of the contraction of both these, द एरिया ऑफ थ्रेसिक कैविटी या वॉल्यूम ऑफ द थ्रेसिक कैविटी इनक्रीजिज एंड द प्रेर ऑन द लंग्स डिक्रीजिज रिड्यूसिज एंड लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर इन साइड द लंग्स ऑल्सो डिक्रीजिज एंड एयर इज इनहेल्ड यानी एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड बॉडी मूव करेगी अब डूरिंग द एक्सपरेशन एज इट इज द टेकिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी यानी बॉडी के अंदर से एयर को बाहर निकालेंगे तो एज ए सेट के जी जो आपके ये इवेंट्स uh, हैं इसके टोटली सारे ऑपोजिट इवेंट्स बन जाएंगे इन द एक्सपायरेशन यहाँ टेकिंग इन ऑफ द एयर हुआ इधर क्या होगा टेकिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी एंड दिस इन द इंस्पाशन द डाया मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम फ्राम मसल्स रिलैक्सड एंड डाई फ्राम अगेन बिकम डॉम शेप यानी जब रिलैक्स होगा तो अगेन अपनी वापस उसी पोजिशन पर चला जाएगा एंड इंटरकोस्टर मसल्स और रिम मसल्स ऑल्सो गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन अब उन दोनों के वापस अपनी अपनी पोजिशन जाने की वजह से द एरिया ऑफ थोरेसिकैटी इंस्पायरेशन में इंक्रीज हुआ था तो अंडरस्टूड है एक्सपायरेशन मैंने कहा ऑपोजिट है तो क्या होगा द एरिया ऑफ थोरेसिकविटी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डिक्रीजिज एक्सपरेशन में एरिया ऑफ थ्रेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी क्या होगा डिक्रीज़ होगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा लंग्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे और एयर प्रेशर इनसाइड द लंग क्या होगा इंस्परेशन में डिक्रीज़ हुआ था बट एक्सपरेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा ज़ाहिर सी बात है एक पहले स्पेस ज़्यादा थी तो एयर मॉलिक्यूल्स जो थे वो आ, सेपरेटली मतलब उनको स्पेस ज़्यादा अवेलेबल थी और प्रेशर इनक्री मतलब डिक्रीज़ था बट जब थोड़े से कैिटी का का एरिया डिक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली एयर प्रेशर इन साइड दैट इंक्रीज़ हो गया अब टू इक्वलाइज द प्रेशर आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इन साइड ऑफ द बॉडी एयर इज़ पुश टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एक्सपरेशन क्या होगा यहाँ तो एयर इन्ेल्ड हुई थी ड्यूरिंग एक्सपरेशन क्या होगा एयर इज इक्स हेल्ड एयर पुश्ड आउट किया जाएगा एयर को हैविंग द मोर कार्बन डाईऑक्साइड अब ये तो हो गया फेजिज ऑफ ब्रीदिंग दैट इज अंपरेशन एंड एक्सपायरेशन इसी के साथ हमारा एक सेकेंड टॉपिक है कि एज द नॉर्मल रेट ब्रीदिंग रेट ऑफ द ह्यूमन बींग इज दिक्सटीन टू ट्वेंटी इन द नॉर्मल कंडीशंस बट इट इनक्रीज एज देर इज द हार्ड एक्सरसाइज और कोई हम अगर टफ काम करते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारा इंक्रीज कर जाता है दैट इज अबाउ द थर्टी टू फोर्टी ऑफ पर मिनट तो दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्टिमुलस क्या है ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने का कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड एज एज वी आर डूइंग हार्ड जॉब एक्सरसाइज या हम कोई टफ काम करते हैं So definitely, our skeletal muscles uh, require more energy. They requ uh, they speedily respire to take energy, and because of the more ca carbon dioxide is produced or dissolved in the blood, as that uh, more carbon dioxide having uh, blood when reaches to the brain, respiratory center of the brain, so it is stimulated, and it send the messages message to the diaphragm and intercostal muscles. ब्रेन में जब ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वाला ब्लड जाता है तो ब्रेन का जो रेस्परेटरी सेंटर है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज सेंड करता है टू कॉन्ट्रैक्ट क्विकली और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फिर डेफिनेटली ये सारी इंस्पिरेशन वाली चेंजेस आती हैं एंड एयर इज इनहेल्ड विच हैज़ मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाईऑक्साइड Uh, इसके साथ ही हमारे इसकी जो डायग्राम्स हैं वो आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर uh, ड्रॉ हुई हुई हैं वहाँ से प्रैक्टिस करनी है साथ ही उसमें कंपेरिजन uh, uh, है बिटवीन द इनल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर तो उसके लिए uh, उस, उसमें आपने जो देखना है कि जी uh, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया कि देर इज़ अ चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ इन्हेल्ड एयर ऑक्सीजन और एग्जेल्ड एयर तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है इन्हेल्ड एयर में मोर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट तो एक्सहेल्ड एयर में लेस ऑक्सीजन होगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट हो जाएगा इन द इनहेल्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगी एज कम्पेयर टू एक्सहेल्ड एयर फिर इसी तरह से जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन आएगा कि जाहिर सी जो जो सराउंडिंग एक्सहेल्ड एयर यानी इंस्पिरेशन में जो एयर आएगी उसका टेम्परेचर वेरी करेगा बट जो हमारी एक्सपायर करेंगे वो इनसाइड द बॉडी जाएगा उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बॉडी होगा फिर डस्ट uh, पार्टिकल्स uh, का आएगा डेफिनेटली जो सराउंडिंग एयर है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल इट्स डस्टी तो वेरिएबल uh, होंगे कहीं ज़्यादा कहीं मतलब अगर हम किसी क्लीन इन्वायरमेंट में इनहेल कर रहे हैं तो लेस होंगे अगर किसी डस्टी उसमें जा रहे हैं तो मोर होंगे बट जो inhale, जो एक्सहेल्ड आपकी एयर आएगी ये अंदर से जो बाहर निकल रही है वो आपको पता है कि ड्यूरिंग इन ऑफ एयर उसकी फिल्ट्रेशन हुई थी दैट्स वाई जो लंग्स से बाहर जाएगी वो क्या होगी वो प्योर होगी क्लीन होगी आ, इसी तरह से वाटर वेपर्स का आएगा कि वाटर वेपर्स की अमाउंट भी जो है वो इन द इहेल्ड एयर सराउंडिंग एयर में जो आपके पास इनहेल्ड एयर आएगी उसके अंदर जो है आ, उसकी वेरिएबल वेरिएबल होंगे कहीं आपको ह्यूमिडिटी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है बट जो आपकी एक्सहेल्ड एयर होगी एक्सपायरेशन से जो इनसाइड टू बॉडी टू आउटसाइड जो एयर जाएगी दैट हैज सैचरेटेड एज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर इज प्रोड्यूस्ड थैंक यू